अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ काशी पर्ल वाइटनिंग फेशियल किट का रिव्यू, और इसके अंदर टोटल 6 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 है इनका स्किन पॉलिश, ये है इसका डिवेलपर, और साथ है ये इसका ब्लॉन्डर पाउडर, और ये है स्टेप नंबर 2 है इनका क्लेंजर, स्टेप नंबर 3 है इनका वाइटनिंग स्किन पॉलिश, स्टेप नंबर 4 है इसका मसाज क्रीम, और स्टेप नंबर 5 है इनका स्क्रब, ये है स्टेप नंबर 5 स्क्रब, और लास्ट में इनका स्टेप नंबर 6 होगा मास्क। ये टोटल जो है ये 6 स्टेप्स हैं इनके, ये है पूरी किट फेशियल। ओके, तो जी थोड़ा सा मेरा जो है मेरी थोड़ी सी हालत को इग्नोर करने, क्योंकि फेशियल करने आई हूँ तो इस तरीके की कंडीशन ही होगी, क्योंकि आपको पता है शर्ट भी जो है आप लोगों ने इस तरह से यूज़ कर ली होती है जो आपके मतलब वैसी हो, जो आपके इस्तेमाल में ज़्यादा ना हो, उस तरह की शर्ट आपने यूज़ करनी है फेशियल के लिए। और यहाँ पर मैंने बैंड लगा लिया ताकि मुझे बाल ना तंग करें, और अब आप लोगों के सामने अभी बिफोर फेशियल माय स्किन, और अब स्टार्ट करते हैं हम अपना फेशियल। सबसे पहले स्टेप है इनका स्किन पॉलिश, जो कि मैं यहाँ पर इग्नोर कर रही हूँ स्किन पॉलिश को, क्योंकि ये मैं पहले यूज़ कर चुकी हूँ। मुझे इसके क्योंकि मैंने जो है ये रिव्यू जो मैंने देना है इसका हॉनेस्ट रिव्यू देना है मैंने, और क्योंकि ये मुझे कोई पीआर तो आया नहीं है ना कुछ है, तो मैंने तो हॉनेस्ट रिव्यू देना है इसका कि क्या चीज़ मुझे इसकी अच्छी लगी और क्या नहीं अच्छी लगी। तो इसको तो जो है ना ये मैं आज यहाँ स्किप करने वाली हूँ, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल सूट नहीं की और ना ही मुझे इसका रिज़ल्ट अच्छा लगा है। इसने जब मैंने ये फर्स्ट टाइम यूज़ की थी तो इसने जो है ना मेरी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी थी, मतलब कि मेरी स्किन ऐसे समझे कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई थी, और जो है ना सारी मेरी स्किन पे खुदरा खुदरापन आ गया था, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई थी, और ऐसे जैसे जल नहीं जाती स्किन उस टाइप की हो गई थी। और इसके रिज़ल्ट आफ्टर 2 डेज़ के बाद पता चला था कि मेरी स्किन को क्या हुआ है, मतलब इतने ज़्यादा ये जो है ना थोड़ी वो है, मतलब हार्श किस्म की है इसके अंदर केमिकल्स, क्योंकि इसका जो ये पाउडर है ना इसके अंदर बहुत तेज़ केमिकल है, इसकी स्मेल भी बहुत तेज़ है कि आपको खोलते साथ ही जो है ना आँखों में लगती है, चुभती है। तो इसलिए ये तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है कि अगर आप लोग ये फेशियल किट बाय करो भी तो इसको मत यूज़ करो, और सेंसिटिव स्किन वाले तो बिल्कुल यूज़ ना करिए। हालांकि मेरी सेंसिटिव स्किन नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी ये सूट नहीं की और ना ही मुझे ये अच्छी लगी, इसलिए इसको हम कर देंगे स्किप, और हम करेंगे अब स्टेप टू से शुरू करेंगे, जो कि इनका है क्लिंजर, और वो ये है इनका क्लिंजर, और ये कुछ इस तरीके का है। और अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। आपने अपना फेस अच्छे से पहले जो है क्लीन कर लेना है, और उसके बाद फेस वॉश कर लेना है, यानी कि आपने ताकि जितनी भी डर्ट वगैरह वो सारी निकल जाए, और फिर आपने क्लिंजिंग करनी है क्लिंजिंग से, उसके बाद फिर आपकी जो स्किन है वो और जो है इसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आएंगे। ठीक है, ये आपने कर लेना है, ऐसे सारा अप्लाई कर लेना है। इस तरीके से आपने जो है इस क्लिंजर के साथ आपने मसाज करना है अच्छे से, आपने इसके साथ 5 to 7 मिनट आपने मसाज करना है अच्छे तरीके से पूरे फेस पे, और उसके बाद जो है आपने इसको जो है अपने स्पंज के साथ ये आपने इसको साफ़ कर लेना है, या फिर इसको आपने वॉश कर लेना है आफ्टर 5 मिनट्स के बाद। अब इसके रिज़ल्ट जो है वो आपके सामने होंगे, आफ्टर क्लिंजिंग ही आप देखेंगे आप फेस पे कितने अच्छा जो है नीटनेस और ब्राइटनेस आ जाती है आपके फेस पे, ये देखें आपके सामने है इसका रिज़ल्ट। और इस तरह से जो है हमारी स्किन जो है वो प्रिपेयर हो गई है नेक्स्ट स्टेप के लिए। अब आपने जो है इसके साथ जो है अब आपने नेक्स्ट स्टेप करना है इनका है स्किन पॉलिश, ये है स्किन पॉलिश, और ये कोई इतनी अच्छी स्किन पॉलिश थी, इसकी स्मेल भी बहुत मज़े की थी, और ये बिल्कुल सॉफ्ट थी, कोई हार्श इसके अंदर पार्टिकल्स नहीं थे, बहुत सॉफ्ट किस्म के थे, और ऐसे थे जैसे बिल्कुल मक्खन की तरह लग रही थी फेस के ऊपर, कि इसको यूज़ करने का मज़ा आ रहा था, और आफ्टर रिज़ल्ट भी इसके बहुत अच्छे थे। फिर मैंने जो है स्किन पॉलिश जो है वो मैंने अपने हैंड पे भी अप्लाई की थी, और उसके बाद जो है मैंने इसको 5 मिनट्स के बाद जो है इसको भी मैंने पानी के साथ जो है इसको साफ़ कर लिया था इस तरीके से। और अब आप हर स्टेप के बाद आप मेरी स्किन के ऊपर देखेंगे कि कैसे कैसे जो है मेरी स्किन नीट होती जा रही है, इसलिए मैं आपको क्लोज़ करके दिखा रही हूँ। और इस तरीके से मैंने अपने हैंड भी साफ़ कर लिए थे, और मेरे हैंड भी इतने नीट हो गए थे, इतने अच्छे साफ़ हो गए थे कि फ़र्क पता चल रहा था कि हाँ जी हमने कुछ चीज़ यूज़ की है। इस तरीके से आपने इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है स्पंज के साथ, अगर आपकी मर्ज़ी अगर आप चाहें तो आप इसको वॉश भी कर सकते हैं। अब जो है अब आपने इसके बाद लेना है इनका, यहाँ पर आप मैं इनका जो था ना 4th स्टेप था इनका मसाज क्रीम, और 5th स्टेप था इनका स्क्रब, लेकिन यहाँ पर मैंने जो है 4th स्टेप लिया है इनका स्क्रब यूज़ कर रही हूँ, और वो जो है मैं मसाज क्रीम जो है वो मैं एंड में यूज़ करूँगी। यहाँ पर मैंने जो स्क्रब के साथ अच्छे से मसाज कर लिया 5 मिनट इसके साथ, और इसने आपकी स्किन से ये जो स्क्रब है ना आपकी स्किन से सारे डर्ट इम्प्योरिटीज़ को अच्छे से साफ़ कर देगा। ये मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया कि जहाँ जहाँ आप लोगों के व्हाइट्स और ब्लैक हेड ज़्यादा हैं
आप लोगों ने वहाँ पर मसाज ज़्यादा करना है ताकि वहाँ से ईजिली जो है आपके वाइट हेड्स निकल सकें। इस तरीके से आपने जो है अच्छे से मसाज कर देना। मेरे नोज़ पर ज़्यादा वाइट हेड्स होते हैं यहाँ पर चिन एरिया पर। इस तरीके से आपने इसको अच्छे से मसाज करना है इसके साथ, ताकि जितनी भी आपकी डेड स्किन है वो सारी इससे रिमूव हो जाए। और आज के इस स्क्रब के बाद आप इसके रिज़ल्ट देखेंगे, आप खुद आपके सामने होंगे इसके रिज़ल्ट। इतनी अच्छी इसकी स्किन हो गई थी, और इस फेशियल के बाद ना स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ हो गई थी। ये देखें, अब ये मैंने यहाँ पर जो स्क्रब को भी साफ़ कर लिया अच्छे तरीके से कहीं पर भी, और अब आपके सामने है इसका रिज़ल्ट। ये देखें, हर स्टेप के बाद जो है अलग ही फ़र्क पता चल रहा है। मैंने दूर से भी दिखाया और मैंने आपको करीब करके भी दिखाया, ताकि ये ना कि दूर से आपको लगे कोई फिल्टर लगा, इसलिए मैंने इसलिए क्लोज़ करके दिखाया आपको। अच्छे तरीके से आपने इसको साफ़ कर लेना, और उसके बाद जो है अब इनका मैं यूज़ करूँगी इनकी मसाज क्रीम, जो पहले यूज़ इन्होंने पहले स्टेप दिया था लेकिन मैं बाद में यूज़ करूँ मसाज क्रीम। आपने जो मसाज के स्टेप्स फॉलो करने हैं उसी तरीके से जिस तरह मैंने आपको पहले वाली अपनी वीडियोस में बताए हैं। अच्छे तरीके से आपने जो है ना अपने फेस पे पूरे जो है ना वो फैला लेनी है मसाज क्रीम, और आपने इस तरह से मसाज के जो स्टेप्स हैं इनको फॉलो करना है जो जो भी, और हार्ड जो सख्त हाथों से आपने मसाज करना है अपने फेस का ना, आपने उससे इस तरह से मसाज करना है सख्त हाथों से, और फिर ताकि जितने सख्त हाथ से आप मसाज करेंगे उतने ही आपके जो है ना फेस पर ग्लो आएगा। और उसके बाद इनका लास्ट स्टेप था इनका मास्क, और ये मास्क जो है ये आपके जो जो पोर्स थे उनको श्रिंक करेगा, टाइट करेगा, और उसके बाद आपकी स्किन को बहुत अच्छे से ब्राइट अप कर देगा। आपने ये जो है इसकी थिन लेयर लगानी है, थिक लेयर नहीं लगानी है, और इसको आफ्टर 10 मिनट्स के बाद आपने इसको वॉश कर लेना है, और वॉश करने के बाद जो है आपने इसके ऊपर आपने कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेना है, या जो भी आप लोग सीरम यूज़ करते हो आपने वो अप्लाई कर लेना है। और इसके बाद आप इसके रिज़ल्ट देखेंगे, आप खुद आपके सामने होंगे। बस अब मैं आपसे 10 मिनट्स के बाद मैंने इसको वॉश कर लिया था। तो जनाब मैंने मास्क लगा 10 मिनट्स के बाद मैंने जो है मास्क को वॉश कर लिया है, और अब ये है आपके सामने रिज़ल्ट। और मैंने जो है थोड़ी सी अपने आईब्रोज भी नीट कर ली थी मैंने, और यहाँ से भी मैंने अपना फेस जो है थोड़ा नीट कर लिया है, और अब आपके सामने है इसका रिज़ल्ट। देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा रिज़ल्ट आया है कितना, और ये देखिए मेरे हैंड भी सेम है। तो मेरी तरफ से तो ये रिकमेंडेड है, बट इसकी स्किन पॉलिश मैं बार बार कहूँगी, और मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैं अभी भी कह रही हूँ कि स्किन पॉलिश मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि इनकी जो ये स्किन पॉलिश है बहुत ज़्यादा हार्श है, और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आई होप आप लोगों को मेरा रिव्यू और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट फेयर व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो ये है आप लोग के सामने।